और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील कुमार सोनी, आप देख रहे हैं पोल कुल पोस्ट। हम बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा का, जो बीत चुका है। 31 अगस्त को इसका समापन हुआ है DAV खड़िया में। 16 अगस्त से 31 अगस्त तक इसका कार्यक्रम था और भव्य रूप से इस कार्यक्रम को NCL ने मनाया था। हर प्रोजेक्टों से वाहन निकले थे, गाड़ियां सजा के निकली थी, क्षेत्र में इलाके में घूम रही थी कि अपने एरिए में दिखाया जा रहा था कि हम स्वच्छता में अव्वल हैं, हम स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसी के विपरीत 31 अगस्त को DAV खड़िया के जिस परिसर में कार्यक्रम का समापन हुआ था, उसमें लगभग हजारों लोगों ने शपथ लिया था कि हम भी स्वच्छ और साफ रखेंगे पूरे इलाके को। लेकिन 31 अगस्त को जो कार्यक्रम समाप्त हुआ था और आज 4 सितंबर है, जब हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँची पोल खोल पोस्ट की, तो वहाँ पे पूरा गंदगी का अंबार दिखा, डिस्पोजल पड़े हुए मिले, खाली बोतलें पड़ी हुई मिली, यहाँ तक की अगर बात किया जाए तो मिठाई के डब्बे वगैरह पूरे परिसर में पूरा फैला हुआ था। वहीं प्रदूषण को लेकर हर आम जनता परेशान है। अगर देखा जाए तो कार्यक्रम के दौरान CMD PK सिन्हा ने प्रदूषण के को लेकर कुछ बातों को रखा, आप भी सुने। रास्ते में जो धूल उड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने 4 स्वीपिंग मशीन खरीदने का प्रपोजल किया है और जल्दी ये स्वीपिंग मशीन भी आ रहा है, ताकि रास्ते का जो गंदगी और धूल और कोयले के जो कण रहते हैं उसे साफ करते हुए चले और कॉलोनी भी साफ करें। इलाके में चलेंगे वो, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो इसी कार्यक्रम में एक रथ आया था जिसको नाम दिया गया था प्लास्टिक सुर का। और आप देख सकते हैं कि पूरे ग्राउंड में आज 4 सितंबर है और पूरा जो है ग्राउंड पटा हुआ है कचड़े के ढेर से। आखिर स्वच्छता अभियान है, सिर्फ दिखावा रह गया स्वच्छता अभियान और पूरी तरह से फ्लॉप हो गया पूरे इलाके में स्वच्छता अभियान। आप देख सकते हैं, जब NCL के ग्राउंड में यह हाल है, 4 दिनों से जब ग्राउंड पूरा साफ नहीं हो पाया है, तो क्या यह सिंगरौली को शुद्ध और साफ रख सकते होंगे? कभी नहीं, असंभव है ये चीज़। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, मेन रोड पे जब वाहन चलते हैं तो छोटे छोटे जो कण हैं और जो धूल हैं वह भारी मात्रा में उड़ते हैं पीछे वाले वाहन को, सामने का नज़ारा नहीं दिखता कि वह नज़ारा कैसा होगा। हैं, शायद उसके सामने से मौत आ रही हो या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ NCL को अपने प्रोटेक्शन से मतलब है। अधिकारी भी चाहते हैं कि हमारी कुर्सी जो है हिल जाए और हम यहाँ से चले जाएँ, जो है यहाँ पे है जो है वो देखा जाएगा। लेकिन क्षेत्र में क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को, क्या दर्शाना चाहते हैं लोगों को, नहीं मालूम। हाँ, अगर बात की जाए इस कार्यक्रम में, CMD PK सिन्हा ने बताया कि हमने वाराणसी में 4 टॉयलेट बनाने हैं सुलभ शौचालय, जो वन विभाग के जमीन पर है। यहाँ से वाराणसी जाते समय आप कहीं भी देखें तो टॉयलेट आपको नहीं मिलेगा, केवल एक छोटा सा वहां पर लजीज है, जहां पर कि ऐसा टॉयलेट है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सुकृत में लजीज है, एक वेस्टर्न अमूल वहीं पर है। दोस्तों, हमने बीड़ा उठाया, NCL ने बीड़ा उठाया और 4 नए शौचालयों का हमें बहुत मुश्किल से हमें अनुमोदित किया गया, क्योंकि फॉरेस्ट के लैंड पर वो था, हमें बनाने नहीं दिया जा रहा था। CSR की टीम जो हमारी है, साल भर से ऊपर लग करके उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र में यहाँ से जो 220 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी बसी है, उसमें 4 ऐसे शौचालय बनने का अनुमोदन हम लोगों ने दिया है। प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, कार्य यहाँ हो रहा है, लेकिन
जो यहाँ से CSR के मद का जो उपयोग हो रहा है, यह यहाँ की जनता के समझ में नहीं आ रहा है, लोगों के सर के ऊपर से निकल जा रहा है। अब बात की जाए, आखिर क्या बात है कि इस इलाके में क्यों आम जनता का दोहन हो रहा है, यह किसी से किसी को लेना देना नहीं है। बहरहाल आइए हम आपको आगे और अपडेट दिखाते हैं कि किस तरह से कचड़े का यहाँ पूरा अंबार फैला हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पे जो यह पूरा जो है स्कूल का DAV पब्लिक स्कूल का यह ग्राउंड एरिया है, और यहाँ पे जो गंदगी है, यह 31 अगस्त को जो NCL का स्वच्छता पखवाड़ा का जो कार्यक्रम का समापन था, यह उसका है। और यह कैंपस जो है, जो ग्राउंड है, यह सुरक्षित भी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यहाँ पर लोग बैठ के ड्रिंक भी करते हैं। ये देखिए, आपको हम दिखाना चाहेंगे, यह खाली बोतलें जो हैं शराब की यहाँ पड़ी हुई हैं। मतलब लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो अय्याशी करने भी यहाँ पे आते हैं। और बहरहाल जो भी अभी तक कार्यक्रम जो भी हुए हैं, और सिर्फ दिखावा हुआ है क्षेत्र की जनता के साथ। कहीं ना कहीं अगर इस बात को अगर माना जाए तो NCL के जो पैसों का पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। मतलब उसके जो परिणाम है क्षेत्र में कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। 5 दिन हो गए कार्यक्रम को समाप्त हुए, अभी भी कचड़े का ढेर यहाँ पे है। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, बड़े बड़े अखबारों में आधे आधे पन्ने के समाचार आए हैं। सिर्फ दिखावा हुआ है कि मतलब NCL जो है स्वच्छता पखवाड़ा कर रहा है। अगर बात की जाए मोरवा से, आप जैन से मोरवा जाइए तो मतलब दो पहिया पे हैं तो आप अपनी जान को जो है हथेली में लेके जाइए। अगर फैमिली बैठा के जा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम जाएंगे कैसे। वो धूल के कण और जो डस्ट हैं, भगवान ही मालिक है उनका। मतलब आपको चलने नहीं देंगे। मुंह पे कपड़ा, हेलमेट तो छोड़िए, आप कपड़ा भी बांध के नहीं चल सकते। इतना डस्ट रहता कि कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसी ग्राउंड में NCL CMD PK सिन्हा के द्वारा बोला गया है कि जो वाहन है, जो धूल है, कण है, उसको हम मानते हैं कि इस इलाके में प्रदूषण है, उसके लिए हम वाहन मंगा रहे हैं। बड़ी मशीनें जो हैं रोड पर चलेंगी, और छोटी मशीनें जो हैं NCL ग्राउंडों में, NCL के कॉलोनी परिसर में चलेंगे, जिससे जो वातावरण है यहाँ का शुद्ध होगा। लेकिन इस इलाके को देख के यह नहीं लगता है कि 5 दिन हो गए, अभी भी पूरा गंदगी का अंबार है, स्वच्छ नहीं हुआ है। जब 5 दिन के में जब ये स्वच्छ नहीं हुआ है तो जो वह उन्होंने घोषणा की है वह कब स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा, वह समय बताएगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएँ, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। समाचार देखने के लिए आपका धन्यवाद।